एक झंडा भी बनवा लो और उस पर मेरे पैर की फोटो खींच के चिपकवा देना है, और नारे लगाते हुए जुलूस निकाल के चलो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। भाई थोड़ा और किसको, बाबूजी हरिओम, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए और गाने भी लगे। बेटा पहले 1 करोड़ मिल तो जाने दो। और देखो ऐसा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो नगर निगम वाले इस छोटे से एक्सीडेंट के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे लग रहा है कि वो लोग कोर्ट में जाएंगे। घोटक बाबूजी, ये शकील की दलील और इस विस्फोटक घोटक के एटीट्यूड के आगे वो सब डरे हुए हैं। अरे उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो कोर्ट में चले जाएं। अब आप देखना कल कैसे आपके नाम का 1 करोड़ का चेक मिलेगा। बाबूजी भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन घोटक बाबूजी, ये शकील की दलील और इस विस्फोटक घोटक के एटीट्यूड के आगे वो सब डरे हुए हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि कोर्ट चले जाए। अब आप कल नगर निगम के ऑफिस चलना होगा। बस आपको क्या है ना कि चेक आपके नाम पे है। बाबूजी भाई ऐसा है, बाबूजी ऐसा है कि मैं अपनी टांग के उस पे कमरे में तो जा नहीं पा रहा हूँ, ऑफिस कैसे जाऊंगा। घोटक बाबूजी है ना, ये कपी और गोमो संभाल लेंगे कभी। हाँ संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। मयूरी लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, कल नगर निगम के ऑफिस में इतिहास रचा जाएगा और घर की औरतें घर बैठेंगी। कोई नहीं नहीं हम सब चलेंगे बाबूजी। हाँ बेटा एक काम करो, झंडा भी ले लो, उस पर मेरे पैर की फोटो भी लगा देना है। नारे लगाती हो, जुलूस निकालती हो, चलना। हरिओम हरिओम। काटोगे? सा चल रहा है बाबूजी का एक्सीडेंट, ये चेक, आज भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा था सीन के अंदर। या जैसे कि हर जगह गड्ढे बहुत हो रहे हैं, तो ऐसे ही घोटक भैया और बाबूजी कहीं जा रहे होते हैं स्कूटर में रास्ते में, तो वो गड्ढे में गिर जाते हैं और बाबूजी को चोट लग जाती है। एंड घोटक भैया का कहना है कि अगर गड्ढे हैं तो यू नो नगर निगम वालों को उस पर बोर्ड लगाना चाहिए कि वर्क इन प्रोग्रेस और व्हाटएवर, बट उन्होंने नहीं लगाया तो वो उनकी गलती है। और बाबूजी कहते हैं कि ये जो हम कट लेते हैं और कट मार के चलते हैं, ये उसकी गलती है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कट ना लें फालतू एंड स्ट्रेट चलें। तो वही है, अभी घोटक भैया का कहना है कि मैं पैसे की डिमांड करूंगा और मैं चेक लूंगा उनसे क्योंकि उनको चोट लग गई है। बाबूजी आज कहते हैं हमारे पैरों का निशान लेके जाइए। उस पे काफी सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ वो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह 1 करोड़ मिलेंगे हमें, और बाबू जी को पता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो ये जस्ट सेइंग कि नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होगा, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मतलब कहा जाए कि हंसी के गुब्बारे के साथ एक मैसेज जरूर देते हैं चिड़ियाघर के। ऑफ कोर्स, वो तो चिड़ियाघर की खासियत है कि हर बार एक नई स्टोरी के साथ, एक नई चीज के साथ, हम लोग हर स्टोरी के साथ एक नया मैसेज होता है, एक थॉट होता है, और हर स्टोरी से पहले एक मुहावरा होता है, तो हर स्टोरी कुछ ना कुछ सिखाती है। चिड़ियाघर के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जस्ट कीप वॉचिंग चिड़ियाघर एंड लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू।